फ्रेंड्स मैं अंकित मैं करने जा रहा हूँ आज काइट फाइटिंग। बहुत ही तेज हवा है, जो कहते हैं ना कि बहुत तेज हवा में हम गन्ने कैसे बांधे और इंडियन मांझा उड़ाएं या कौन सा उड़ाएं बहुत तेज हवा में और पतंग हम उड़ा रहे हैं, यही तो मैं इसमें पहले आपको गन्ने बताऊंगा सिखाना कि तेज हवा में आप कैसे गन्ने बांधे। और तो हम इसमें जल्दी से गन्ने बांधते हैं और दिखाते हैं कैसी वीडियो बनती है कैसी नहीं, जल्दी से बांधते हैं दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों उड़ाते हैं। सो गाइस क्या कहते हैं, हमने कर रहे हैं होल एक यहाँ पे और बहुत ही थोड़ा सा नीचे करें क्योंकि तेज हवा है। जितने आप छोटे करने बांधेंगे उतने बेस्ट रहेंगे। और सर्दी से अब बांधे और सब्जी को डबल या सिवल कर ले जब बांधे। हमने आगे से डबल सिवल करके बांधी, वैसे तो सिंगल सब्जी है, आप सर्दी से ही बांधे। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप क्या कहते हैं मंजे से भी बांध सकते हैं। और हम देखो ये सब्जी का मतलब पता क्या होता है, सब्जी का मतलब होता है कॉटन थ्रेड। और आप चलो ये तो बांध लोगे, अब इसका जो मेजरमेंट करना है हमें क्या कहते हैं कन्नो क्या कैसे रखना है, मैं मतलब कि इसका अभी बताता हूँ। चलो मैं देखो हमने ये आप छोटे तो बांध लोगे, ये तो आपका बच्चे कोई भी बच्चा बांध लेगा। मेन बात आती है ये कोई नहीं कर पाएगा। ये आपको क्या करना है, छोटे कन्ने अगर आपने बांधे ना तो आगे का बड़ा रखना है इसके मुकाबले। आप एक या दो इंची आगे का बड़ा रख सकते हैं, मैं तो यहाँ ज़्यादा बड़ा रखूँ क्योंकि बहुत ही तेज हवा है। तो चलो अब यहाँ पे आपको कितनी गांठ लगानी है, यहाँ भी आप दो गांठ लगा, एक से दो लगा सकते हैं, मैं दो लगा ले रहा हूँ। वैसे एक गांठ एनएफ है तो आप लगा सकते हैं। चलो मैंने बांध लिया कन्ने, अब उड़ाते हैं। अभी क्या हुआ ना, जो पतंगे कन्ने बांधे थे वो देखो हमारी गीलियों की फट गई, दूसरी छत पे जाके हम उड़ा रहे हैं दूसरी पतंग। देखो मैं उड़ा रहा हूँ यही वाली पतंग और इसमें भी मैंने सेम टू सेम ऐसे ही कन्ने बांधे, इसको उड़ाते लड़ाते दिखाते। सो गाइस देखो मैं मंजे से उड़ा रहा हूँ, मंजा कौन सा है देखो आप कमेंट करके बताओ ये कौन सा मंजा, देखो पास से तो उड़ा रहा हूँ मैं इससे ही और उड़ाते हैं हम डायरेक्ट लड़ाते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी तेज हवा है, तेज हवा में ना आप क्या कहते हैं इस तरह से उड़ाए करें अपनी पतंग को इस तरह से, इससे क्या है ना आपके हाथ नहीं कटेंगे और क्या कहते हैं अनबैलेंस नहीं होगी। देखो मेरे चरखरी दिखाओ जरा, देखो ऐसे इस तरह से उड़ाए और अनबैलेंस नहीं होगी। तो हम इसको देखो पतंग को दिखाओ अब जरा, ये देखो पतंग को दिखाओ, पतंग जा रही है देखो हमारी लंबी होकर, अब लड़ाते दिखाते। सो गाइस आपको मेरी पतंग दिख रही होगी ब्लू वाली उड़ती हुई और एक वो क्या कहते हैं उससे लड़ा रहे, देखो अभी लड़ाते तेज हवा में कैसे लड़ा, आई बो छूते ही। अब देखो एक ये आ गई इससे और लड़ाते दिखाओ जरा उसको, अब लड़ाते ब्लैक वाली से, देखो ब्लैक आ गया, दिखाओ ब्लैक को। आई बो ये भी गई, तो ये देखो यही पतंग भी गई है, काट दी, ये भी ढील से काटे है और एक मैंने खींच से काटी थी वो पन्नी की, तो देखो क्या मस्त जा रही है। और नेक्स्ट काटते दिखाते आपको। सो गाइस ये पतंग जो मैं काट रहा हूँ ना ये मैं ढील से काट रहा हूँ, आप भी ना क्या कहते हैं खींच में जहाँ आपको लगे कि हाँ ढील देनी है। मैं आपको बताऊँ अगर जिसको नहीं पता तो ज़्यादातर ना पेच ढील से ही लड़ाएं, और ढील से कैसे लड़ाने ऊपर से लड़ाएं या नीचे से लड़ाएं, आपको पतंग पता है ढील ही नहीं छोड़ देनी है, एकदम टाइट रखनी है, ऐसे ऐसे करके ढील देनी है, ऐसे ऐसे करके 100% आपके ओपोनेंट की पतंग जाएगी अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो। तो ये स्टेप करना जैसे कि मतलब कि आप तेज हवा में लड़ा रहे हो तो उसके चाहे नीचे से लड़ाओ चाहे ऊपर से लड़ाओ, और आपकी पतंग उससे ज़्यादा दूर होनी चाहिए, कन्ने पे से लड़नी चाहिए, उसके कन्ने पे हो सकती है और आपकी दूर रहे, तो ऐसे ऐसे करो उसकी पतंग 100% जाएगी। आप ये ट्राई करना, आप काट पाओ तो मेरे को कमेंट में बताना कि हमने ऐसे काटी तो आप काटते। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को काटते हैं, वहाँ देखो बड़े बड़े लोग भी उड़ा रहे हैं, उनकी भी काटेंगे दिखाएंगे। ये देखो अंकल जी की बोरी, अंकल जी ने उड़ाई है राउंड पतंग क्योंकि बहुत तेज चलाक ही चल रहे हैं और मैं भी तेज चलाक। ढील ढील आई वो अंकल जी की गई, देखो मैंने भी स्टेप बताया था ना वही मैंने फॉलो करा है, ऊपर से ढील देते वक्त झटके मारे और ऐसे अंकल जी की पतंग काटी, अंकल जी गए कहाँ पतंग दोबारा उड़ाने, देखा तो दोबारा काटते दिखाते। तो गाइस ये पतंग भी मैंने वैसे ही काटी जैसे इस टाइप मैंने फॉलो करा, अगर मैं अलग तरीके से पतंगे काटता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस तरह से पतंग काटी, नेक्स्ट पतंग काटते दिखाते। ये लड़के भी उड़ाने लग रहे पतंग, वो जो एक लड़का दिख रहा बड़ा सा और ये देखो ये उड़ाया गया, देखो पतंग दिख रहा होगा आपको, अब देखो ये बढ़ाया का और यहाँ से भी देखो ये लोग उड़ा रहे हैं, वो देखो एक कन्ने बांध रहा है उसका प्लेयर क्या कर रहा है एकदम, और ये देखो ये उड़ाया का भी और मैंने दे रखी है इस बिग बॉयज़ को पतंग। सब कह रहे थे मिनी बॉयज़ बिग हो गए, हाँ भाई 2 साल में बड़े हो गए ना, तेरा भी बड़ा हो गया, मतलब तू बड़ा हो गया। तो गाइस देखो ने उड़ा लिया ये पतंग ग्रीन कलर की, और नीचे में भी देखो एक क्या कहते हैं येलो कलर की पतंग दिख रही होगी, वो देखो वो जो रेड कलर का बच्चा और देखो ब्लू कलर का वो उड़ा रहा है, हम इसको काटते चलो पहले। तो गाइस आपको मेरी पतंग दिख रही होगी, ये देखो ये वाली है, अब लड़ाते हैं देखो ये ग्रीन पटियल से, अच्छा जी अंदर को दिखाएगा,
गई। आई बो। और ये पतंग भी मैं बता दो कौन से मेथड से काटी है मैंने ये पतंग। तो पहला मेथड मैंने लगाया था मतलब कि नीचे से लेके खींच मारनी चाह रहा था उसमें तो बच गए, और फिर दोबारा हमने ऊपर से ढील लगा के टच ही हुई है इतने में उसकी पतंग गई खलास, उसकी पतंग डेड हो गई। रेस्ट इन पीस RIP फॉर माय ओपोनेंट काइट। चलो दोबारा उड़ अंकल जी उड़ा रहे हैं मोनोफिल गोल्ड के मांझे से। अभी देखो मेरे हाथ पे हम ले जाते हैं, देखो ये दिखा दूँ मोनोफिल्ड गोल्ड मांझा, मोनोफिल गोल्ड से उड़ा रहे हैं काटेंगे इनकी। तो गाइस अभी अभी पतंग जीत गए, देखो ये रही दिखाते हैं कैसी पतंग है, छत पे ही आई थी। तो गाइस ये कुछ ऐसी पतंग है, ना इसमें टेप लग रही है ना कुछ लग रहा है, और देखो तेज हवा में इसने भी वैसे ही कन्ने बांध रखे जिसने भी उड़ाई होगी। ये देखो आगे के कन्ने बढ़े जैसा मैंने मेथड करा था, लेकिन इसने कन्ने की लंबाई ज़्यादा बांधी है, ठीक ठाक है, लेकिन जब भी भारी पतंग उड़ रही है तो अपनी पतंग ले मोटे। तो गाइस देखो नीचे ग्रीन और उड़ी है और एक चिड़ा भी उड़ी है आगे, हम पहले किसको काटे ग्रीन को ही काटते। चलो डेंट इसका सुझाया नंबर वन ब्रांड, हम इसका ही सुझाया कर देते हैं। ओ उसकी तो घुस गई पतंग, और देखो एक और उड़ेगी वो रही उसकी पतंग। ये देखो अभी आई, चिड़ा से लड़ा लो पहले इसकी काटते रोक। तो गाइस ये लोग भी उड़ा रहे हैं वो अंकल जी, देखो नहीं इस बार बच्चा उड़ा रहा है, अंकल जी ने उड़ा रहा। चलो काटते तो हट चुके हैं पेज, कहाँ जाके देखते किसका कटता है। और आई बो काट मारा, तो नेक्स्ट काटते दिखाते। तो गाइस आपको पतंग दिख रही होगी नीचे चिड़ा पतंग, और मेरी पतंग ब्लू वाली है, एक से मैंने धमाल मचा दिया और ये गई। आई बो इस, ये बताता हूँ कैसे काटे, पहले वाली कैसे काटी अभी बताता हूँ। तो ये देखो ये रही मेरी पतंग, तो बता तो कैसे काटी रोक। तो पहले वाली पतंग काटी थी मैंने अपने पुराने मेथड से, फंसा देगा बहुत दूर चलेगा पे, जब काटी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में बहुत ही छोटी पतंग हो गई थी। ये पतंग काटी मैंने नीचे से ली करने में लगी उसकी सीधी खींच मार दी ऐसे काटी। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करना, मैं खींच से प्लस ढील से ज़्यादा लड़ा हूँ, ज़्यादातर मैं ढील से लड़ा हूँ। तो नेक्स्ट काटते दिखाते ऊपर में देखो पीछे से लड़ाने वाली काटने, देख लेंगे किसकी काटती है किसकी नहीं, और हम कैसे काट पाते कैसे नहीं देखते। चलो आपको पतंग दिखी, आई वो लगते ही गई इसकी तो लगते ही, और इसका मंजा कहाँ है साला मेरे में डल जाए। बताओ अंकल हूँ दिख भी रही है पतंग, देखिए वीरू भाई की दिख रही है हाँ पूरी। चलो उससे लड़ाते हैं, छोड़ आपको मेरी पतंग दिख रही होगी ब्लू वाली, और नीचे पन्नी की उड़ी है एक, इसको काटते चलो। आई वो गाइस वो देखो पतंग गई कट कर, दिखाओ पन्नी की जो जा रही है, देखो पूरी जा रही है एक नंबर। अब मौसम हो रहा है बारिश का पूरा क्लाउडी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है अब लड़ा। तो गाइस अभी तो मेरी क्या कहते हैं पतंग चली गई कट गई, ये वीडियो यहीं तक के, वीडियो कैसे लगी मेरे कमेंट में बताना। और ये देखो इसको दिखाओ अंग्रेज को, इसकी टी शर्ट पे क्या लिखा है दिखाइए जरा। अबे आगे में बुरा ना मानो होली है। तो गाइस तो ये वीडियो यहीं तक के, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, घर पर रहें सुरक्षित रहें, पतंग बहुत उड़ाएँ। और काइट शॉप की वीडियो मेरे से आपको चाहिए, काइट शॉप की वीडियो तो बता दो, काइट शॉप की मैं वीडियो बना दूँ। तो वाइस फिर बाय बाय।